हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टिक बाय टिक डेटा हम फायर्स वेब सॉकेट की मदद से हम किस प्रकार से फेच कर सकते हैं। तो ये हमारा एपीआई V2 का डॉक्यूमेंटेशन है हमारा फायर्स का, और ये हमारा वेब सॉकेट। तो यहाँ पर हम वेब सॉकेट की मदद से हम ऑर्डर अपडेट मतलब ऑर्डर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को फेच कर सकते हैं, और प्लस हमारा मार्केट डेटा जो भी हमारे इंडेक्स हो या ऑप्शंस हो या हमारे फ्यूचर्स हो उनके हम डेटा को टिक बाय टिक डेटा को हम वेब सॉकेट की मदद से फेच कर सकते हैं। तो वेब सॉकेट करता क्या है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक हमारा कनेक्शन क्रिएट कर देता है। उससे हम क्या करते हैं, फिर जो भी हमारी रियल टाइम की इन्फॉर्मेशन है वो हम वहां से फेच कर पाते हैं। तो मार्केट डेटा और ऑर्डर अपडेट में छोटा सा फर्क है, बस वो ये है कि मार्केट डेटा में जो हमारा डेटा टाइप है वो सिंबल डेटा होता है, और ऑर्डर अपडेट में जो हमारा डेटा टाइप होता है वो हमारा एक ऑर्डर अपडेट होता है, और मार्केट डेटा में हमें सिंबल की लिस्ट प्रोवाइड करना पड़ता है जिन भी एसेट्स का या स्टॉक या इंडेक्स का हमें डेटा चाहिए लाइव, उसकी लिस्ट हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। जबकि ऑर्डर अपडेट में हमें ये लिस्ट वगैरह हमें प्रोवाइड नहीं करना पड़ता, क्योंकि वहां पर हमें ऑर्डर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। फायर्स एपीआई वेब सॉकेट की मदद से हम किस प्रकार से डेटा रियल टाइम डेटा को फेच कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर सैंपल कोड दे रखा है। चलिए हम इसे कॉपी करते हैं और इसे नोटपैड पर ले चल के इसे समझते हैं। तो इसे मैं कॉपी कर लिया, तो ये देखिए हमने पूरा डेटा यहाँ कॉपी कर लिया, पूरा सैंपल कोड। सबसे पहला जो काम है हमारा, यहाँ पर एक्सेस टोकन हमें बनाना होगा एक, तो उसका जो प्रॉपर फॉर्मेट है उन्होंने दे रखा है ऐप आईडी। तो यहाँ पर ये ऐप आईडी क्या होती है और एक्सेस टोकन क्या होता है ये सब हमारी लास्ट वीडियो में हमने बता रखा है, और इसे कैसे बनाते हैं कहाँ से बनाते हैं ये हमारी प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ऐप आईडी कॉलन एक्सेस टोकन दोनों को मिलाकर हमारा एक नया टोकन हम जनरेट करेंगे, उसका हम कोई दूसरा नाम दे सकते हैं जैसे वेब सॉकेट एक्सेस टोकन या कुछ भी। उसके बाद जो डेटा टाइप है वो हमारा यहाँ पर सिंबल डेटा रहेगा मार्केट डेटा फेच करने के लिए। यदि ऑर्डर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर ऑर्डर अपडेट हो जाएगा वो। उसके बाद रन बैकग्राउंड इक्वल टू फॉल्स, तो ये हमारा फॉल्स रहेगा यहाँ। उसके बाद हमारा सिंबल, सिंबल में हम जो भी हमें एसेट्स जिनका हमें टिक बाय टिक डेटा चाहिए उनकी हम यहाँ पर लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर लिस्ट का फॉर्मेट ये है कि यहाँ पर डबल कोट में आपको एसेट का नाम, उसके बाद कॉमा, फिर नेक्स्ट एसेट, और इस प्रकार से आप इस लिस्ट को बढ़ा सकते हो। कॉमा लगाकर हम यहाँ पर कितने भी यहाँ पर एसेट्स यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल जो हमारे एसेट्स हैं उनकी लिस्ट हम यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसका नाम हमारा रहेगा सिंबल। उसके बाद यहाँ पर एक फंक्शन है हमारे पास, ये फंक्शन को आप कस्टमाइज कर सकते हो, इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सब आप यहाँ पर हम अपने आवश्यकता के अनुसार इसे कस्टमाइज करेंगे। उसके बाद ये जो हमारा मैसेज है इसको हम वेब सॉकेट डेटा पे असाइन करेंगे एक, उसके बाद हमारा फायर सॉकेट एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे फायर सॉकेट क्लास के लिए, और इस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेस टोकन हम बना रहे हैं ये एक्सेस टोकन पास करेंगे। उसके बाद रन बैकग्राउंड इक्वल टू फॉल्स, और यहाँ पर हमारा लॉग पाथ को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम हमारे सिंबल को सब्सक्राइब करेंगे, इसके लिए क्या है जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसके साथ हम सब्सक्राइब मेथड को यहाँ कॉल करेंगे, और उसमें जो हमारी सिंबल जो हमारा सिंबल है जो हमने लिस्ट बनाई है हमारे उस लिस्ट को असाइन करेंगे। और डेटा टाइप तो यहाँ पर फिक्स रहने वाला है जो कि हमारा क्या है सिंबल डेटा, इसकी वैल्यू क्या रहेगी सिंबल डेटा मार्केट डेटा के लिए। यदि ऑर्डर अपडेट के लिए है तो यहाँ पर ऑर्डर अपडेट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पर हमें एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा कीप रनिंग। कीप रनिंग फंक्शन यहाँ कॉल करेंगे, और यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है उस ये रहा हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर कीप रनिंग फंक्शन को कॉल करेंगे जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है फायर सॉकेट नाम से, तो इस फायर सॉकेट के नाम से ही यहाँ पर हम फायर सॉकेट डॉट कीप रनिंग फंक्शन को कॉल करेंगे। और जैसे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे हमारा जो लाइव डेटा है वो हमारा पूरा आने लगेगा, टिक बाय टिक डेटा हमें मिलने लगेगा जिसका रिस्पॉन्स कुछ इस टाइप से होगा। तो इस टाइप से हमारा डेटा हमें यहाँ पर मिलने वाला है। तो इसमें हमें सिंबल, टाइम स्टैम्प या हाई प्राइस, लो प्राइस, LTP वगैरह ये सब इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर हमें मिलेगी। ये हमारी एक नोटपैड फाइल है, और यहाँ पर हमने जो भी ये टास्क है इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर डिवाइड कर रखा है। तो पहला काम है हमारा यहाँ पर सबसे पहले वेब सॉकेट को हम इम्पोर्ट करेंगे। तो ही चलते हैं हमारे नोटपैड पर, और ये देखिए हमारी माय एल्गो। तो सबसे पहला जो हमारा काम था वो था हमारा हमें क्या करना था, वेब सॉकेट को इम्पोर्ट करना था। तो ये हमने वेब सॉकेट को यहाँ पर इम्पोर्ट कर लिया है। अब ये जो
दिख रहा है आपको एक क्लाइंट आईडी, क्लाइंट आईडी हमारी ऐप आईडी होती है, और ये हमारी कहाँ से आ रही है, अभी एक्सेल से आ रही है, और एक्सेल में हमने किस प्रकार से इसे स्टोर किया था ये हमने अपना हमारी जो लास्ट वीडियो उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सीक्रेट की भी हमारा एक्सेल से उठ के आ रहा है। तो ये सब आप कोड क्या है, सेक्शन सेशन वगैरह हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, फिर उससे एक्सेस टोकन भी यहाँ पर हमारा जनरेट हुआ था। तो ये एक्सेस टोकन और हमारी क्लाइंट आईडी, ये हमारी ऐप आईडी है और ये हमारा एक्सेस टोकन है, इन दोनों की मदद से ही हमारा एक नया टोकन अभी जनरेट करेंगे हम। और ये सब हमने कैसे जनरेट किया इसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो इतना सब आपको करने के बाद ही ये जो स्टेप्स हैं ये फॉलो करनी है। तो यहाँ पर क्लाइंट आईडी हमारी ऐप आईडी हो जाएगी और एक्सेस टोकन, ये दोनों मिलाकर हमारा आपका बनेगा एक नया टोकन जनरेट करेंगे जिसको हमने नाम दे दिया वेब सॉकेट एक्सेस टोकन। तो हम इसको कॉपी करके ले चलते हैं और कहाँ पेस्ट करेंगे, हमारी नोटबुक पे ले चलते हैं इसे, यहाँ पेस्ट कर और इसको हम नीचे यहाँ पर ले आते हैं। तो यहाँ पर क्या किया, क्लाइंट आईडी और एक्सेस टोकन दोनों के बीच में लगाया हमने कि कॉलन। तो इसी फॉर्मेट में हमें वेब सॉकेट के लिए एक्सेस टोकन क्रिएट करना था, तो वो हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। यहाँ पर हमें देना है हमारी स्टॉक की लिस्ट। तो हम एक काम करते हैं, अभी मार्केट ये बैंक निफ्टी, तो हमने ये बैंक निफ्टी सिंबल को यहाँ से कॉपी कर लिया सिंबल के नेम को, और हम चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पेस्ट कर दिया हमने। उसके बाद हमने एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है फायर सॉकेट क्लास के लिए। तो यहाँ पर हमने जो वेब सॉकेट एक्सेस टोकन बनाया था वो इसको असाइन कर दिया रन बैकग्राउंड इक्वल टू फॉल्स से, और यहाँ पर लॉग पाथ को यहाँ पर सेट कर दिया है। तो ये हमने स्विफ्ट इंटर से इसे रन किया, ये हमारा रन हो गया। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप है ये फंक्शन। तो ये फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हमने टिक डेटा नाम रखा हुआ है, जबकि एपीआई जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन था यहाँ पर इसका नाम कस्टम मैसेज था। तो हमने इसको अभी एक नाम दे दिया टिक डेटा, और यहाँ पर हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, हम नॉर्मल सीधे प्रिंट कर लेते हैं इसे प्रिंट मैसेज। तो ये फंक्शन क्या करेगा, हमारा प्रिंट करेगा जो भी हमें रिस्पॉन्स मिलेंगे वो। उसके बाद फोर्थ स्टेप है हमारी, यहाँ पर जो टिक डेटा फंक्शन है इसको हमें वेब सॉकेट डेटा को असाइन कर दिया, उसके बाद इसे सब्सक्राइब किया सिंबल। सिंबल को सब्सक्राइब करने के लिए हमने जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था उसके साथ सब्सक्राइब मेथड को कॉल किया, और उसमें हमने सिंबल को हमारा पास कर दिया। सिंबल हमारा क्या है, ये लिस्ट है हमारी सिंबल, ये हमारा सिंबल है। इसमें हम और भी एसेट्स को पास कर सकते हैं कॉमा लगा के डबल कोट में, आप जितना भी इसमें ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम देखें तो जो हमारा डेटा टाइप है ये हमारी एक फिक्स वैल्यू होने वाली है, यहाँ पर हमें सिंबल डेटा ही लिखना है। उसके बाद हमने कीप रनिंग फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया है, जैसे ही हम इसे रन करेंगे हमारा जो टिक बाय टिक डेटा है वो हमें मिलने लगेगा। एक बार यदि हमने इसे स्टार्ट कर दिया तो हमें इसे फिर इसे फोर्सफुली इसे बंद करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए हमारा ये डेटा आने लगा है यहाँ पर बैंक निफ्टी का, ये हमारे डेटा आ रहा है, और ये हमें एक लिस्ट के फॉर्म में मिल रहा है ये पूरा। तो अभी हम क्या करते हैं, इसे स्टॉप करते हैं, इसे हमने इंटरप्ट कर दिया, रोक दिया हमने हमारे कर्नल को, और हम इस डेटा को कॉपी करके देखते हैं हमें मिल क्या रहा है। तो इसे हमने कॉपी किया और उसे हम नोटपैड में लेके आते हैं। तो ये वैल्यूज हमें यहां से मिल रही हैं, हमें सिंबल मिल रहा है, हमें टाइम स्टैम्प मिल रहा है, उसके बाद हमें एफ वाई कोड मिल रहा है, यहाँ पर क्लोज प्राइस भी है, लो प्राइस भी है, हाई प्राइस भी है, और हमारा ये सब वैल्यूज वॉल्यूम भी मिल रहा है हमें। तो ये सब वैल्यूज हमें यहाँ पर मिल रही है। अब मान लीजिए इसमें से हमें कुछ डेटा ही चाहिए, हमें इतना सारा ये डेटा नहीं चाहिए, तो हम इस मैसेज को, ये जो हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए ये देखते हैं, हमने इस फंक्शन को रिप्लेस कर दिया दूसरे फंक्शन से। तो अब क्या करा है हमने, यहाँ पर हमने जो मैसेज है मैसेज में जीरो इंडेक्स पर सिंबल की वैल्यू, सिंबल
क्या है और उसका LTP उसका जो प्राइस क्या है, ये हमने दो यहां से वैल्यूज लिए और केवल इन दो वैल्यू को ही हम यहां पर प्रिंट करेंगे। तो अभी हमने इसे स्टॉप कर दिया, तो हमें यहां डबल से इसे रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब हम इसको डबल से यहाँ पर रन करते हैं इसको, और यहाँ देखिए हमने इसे डबल से रन किया है, और इस बार हमने जो हमारा फंक्शन था उसे हमने थोड़ा सा कस्टमाइज कर दिया। तो इस बार हमें क्या मिल रहा है, एक तो सिंबल मिल रहा है, दूसरा हमें LTP मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पर सिंबल हमारा निफ्टी बैंक और LTP उसका जो भी लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। अब इस डेटा को हम किसी डेटाबेस में भी स्टोर कर सकते हैं, किसी डेटा फ्रेम में भी स्टोर कर सकते हैं, या आप जहाँ भी चाहें वहाँ पर हम इसे स्टोर कर सकते हैं। तो ये सब हम देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।